ओम शांति। हम अष्ट शक्तियों को देख रहे हैं नवरात्रि स्पेशल, और आज हम चौथे नंबर की शक्ति को देखेंगे, फोर्थ वन। अभी तक हमने देखा है पावर टू डिटैच, पावर टू बैकअप, पावर टू टॉलरेट, नाउ पावर टू अकोमोडेट। जब हमारे अंदर पहली शक्ति का विकास होता है जो कि पावर टू डिटैच, मतलब साक्षी होने की शक्ति, यानी स्वयं को आत्मा समझना, सबसे पहले डिटैच किससे होना, जिससे सबसे पहले अटैच हुए हैं। सबसे पहले अटैच किससे हुए हैं? शरीर से। उसी से सबसे पहले डिटैच होना। जैसे ही शरीर से डिटैच होते हैं तो दूसरी शक्ति का विकास होता है, पावर टू पैकअप, यानी अपने विचारों को पैक करना। मतलब कि कहने का ये है कि अपने विचारों को समेटना, उन्हें कम करना, जो कि आज बहुत तेज़ी से दौड़ रहे हैं। जैसे ये विकास होता है तो हमारे अंदर एक और शक्ति का विकास होता है, वो है पावर टू टॉलरेट, सहन शक्ति। और टॉलरेट करने के पश्चात जो शक्ति आती है पावर टू अकोमोडेट। अकोमोडेट, अकोमोडेट मतलब जगह देना, स्थान देना। अगर आप इस शक्ति को देखें तो आप पाएंगे कि सागर नदियों को स्वयं में समा रहा है। सागर नदियों को स्वयं में समा रहा है, मतलब अनकंडीशनली अकोमोडेट कर रहा है। वो ये नहीं देखता है कि कौन सी नदी है, यमुना है या गंगा है, अच्छा कौन सी गंदी है और कौन सी साफ है, नहीं, अनकंडीशनली अकोमोडेट कर रहा है। सेम वे हम भी सभी को अनकंडीशनली स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन हम क्यों नहीं स्वीकार कर पाते? क्योंकि ना तो हम स्वयं को और ना दूसरों को वो देख पाते हैं जो हम हैं। वी आर प्योर बींग, नॉट दैट बॉडी, बट हम दूसरों को बॉडली रिकग्नाइज करते हैं। काला गोरा, अमीर गरीब, छोटा बड़ा, ये करने के बाद क्या होता है, स्वीकार करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मान लीजिए आप एक ऑफिस में एंटर करते हैं, बाहर पे सिक्योरिटी वाला भाई खड़ा है, उसको देखकर हम कैसे देखते हैं और हमारी टोन क्या होती है? हम थोड़े आगे बढ़ते हैं, हमें कोई एम्प्लॉय दिखता है, हमारी टोन थोड़ी और चेंज होती है। हम आगे बढ़ते हैं, हमें मैनेजर दिखता है, हमारी टोन और चेंज हो जाती है, और ऊपर पहुँचते हैं हमें डायरेक्टर या CEO दिखते हैं तो हम बिल्कुल सर बिल्कुल झुक जाते हैं। ये क्या हो रहा है कि हम दूसरों के आइडेंटिफिकेशन, उनके पद, पोस्ट, इन सब को देखकर उन्हें हम स्वीकार करते हैं या अस्वीकार करते हैं। यहाँ पर परमात्मा कहते हैं कि मैं शांति का सागर, प्रेम का सागर हूँ और तुम मेरी संतान हो। जैसे सागर का उदाहरण दिया, सागर नदियों को स्वयं में समा लेता है, ऐसी परमात्मा भी सभी को अनकंडीशनल स्वीकार करते हैं। हम उनके बच्चे हैं, हम भी सभी को अनकंडीशनल स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए पहले स्वयं को आत्मा समझना होगा और दूसरों को भी आत्मिक रूप में ही देखना होगा। जैसे देखेंगे याद रहेगा कि कोई अमीर गरीब बड़ा छोटा नहीं है, दे आर प्लेइंग अ पार्ट हियर। ये जस्ट एक स्टेज है और यहाँ पर कोई गरीब का, कोई अमीर का, कोई काला, कोई गोरा, कोई छोटा और बड़े का पार्ट अदा कर रहे हैं। उदाहरण के तौर पे हम देखें तो कोई उम्र में अगर हमसे बड़ा है तो हम कैसे व्यवहार करते हैं, उम्र में हमसे छोटा है तो हम कैसे व्यवहार करते हैं। मान लेते हैं उसकी उम्र 5 वर्ष है, राइट, और आपकी उम्र 20 वर्ष है, लेकिन जब आप 15 वर्ष के थे तो यही आत्मा लास्ट बर्थ में थी और मे बी वो वहाँ पर 80 वर्ष की होता। तो ये सोल कॉन्शियस होने से क्या होता है, एकदम कि दृष्टिकोण चेंज हो जाता है, बड़ा छोटा अमीर गरीब का भान ही खत्म हो जाता है। और जैसे ये खत्म होता है ना, हम सागर के तुल्य सभी को स्वीकार करने लगते हैं। और यही तो हमें करना है। आज हम किसी को भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। नॉर्मली देखा जाए तो घर घर में भी जिनके साथ हम रोज रहते हैं, जो हमारे रिश्ते, जिनको हम कहते हैं कि दे आर माई लव्ड वंस, वी आर नॉट एबल टू एक्सेप्ट देम। हम उनके सामने कंडीशंस रखते हैं, अगर बोलेंगे भी नहीं तो मन मन में तो रखेंगे भाई तुम ऐसा करो ऐसा करो तो ठीक है, नहीं तो ये बराबर। कहने का ये है कि उन्हें हम अपने जैसा देखना चाहते हैं, दैट्स इट। हम चाहते हैं कि मेरे जैसे हो जाए, लेकिन इस दुनिया में मेरे जैसा कोई हो ही नहीं सकता है। देख लीजिए, कोई भी नहीं हो सकता आपके जैसा और आप किसी के जैसे नहीं हो सकते, क्योंकि हर एक आत्मा का अलग अलग रोल है।
अगर आज आपकी उम्र 50 वर्ष है और आपके युगल हैं, मान लीजिए उनकी उम्र 48 वर्ष है, 48 ईयर्स, ये 50 वर्ष और ये 48 वर्ष का भी अनुभव पूरा अलग अलग है, सेम तो नहीं है। जो आपके साथ हुआ हूबहू उनके साथ नहीं हो सकता, पूरे 50 वर्ष में तो बिल्कुल नहीं हो सकता। 50 वर्ष पहले मानो आप दूसरे जन्म में थे, लास्ट बर्थ में, मान लीजिए आपकी उम्र वहाँ 100 वर्ष थी, मान लीजिए उनकी उम्र वहाँ पे 102 वर्ष थी, दोनों का अनुभव देखिए क्या है, अलग ही है ना। मतलब आत्माएं अलग अलग एक्सपीरियंस करके यहाँ पहुँच रही हैं, तो फिर मेरे जैसी कैसे हो सकती हैं। सो, आत्मिक ज्ञान होने से सबसे बड़ा फायदा होता है, वैसे आत्मिक ज्ञान हमें होता है पावर टू अकोमोडेट, यानी कि स्वीकार करने की शक्ति हमारे अंदर आपे ही बढ़ जाती है। तो यहाँ पर इसे याद रखते हुए कि मैं एक आत्मा हूँ, सभी ये आत्माएँ हैं, कोई बड़ा छोटा अमीर गरीब नहीं है, ये सब इनके पार्ट हैं, वैसे हम सब कलाकार हैं, एंड वी आर प्लेइंग अ पार्ट हियर, दैट्स इट। अब हमें इसका अभ्यास करना है, किसी को भी देखें ये कलाकार है, हाँ ये मेरे भाई का बहन का रोल अदा कर रहा है, लेकिन एक आत्मा है, शुद्ध पवित्र आत्मा है। अब देख लीजिए, अगर आपने रामायण देखी है तो रामायण में जो रावण का पात्र अदा करते हैं और जो राम का पात्र अदा करते हैं, जो राम का पात्र अदा करते हैं, उन्होंने जब अपना इंटरव्यू दिया तो उन्होंने कहा कि जो रावण है मेरे बहुत ही अच्छे मित्र हैं एक्चुअल में। तो आप उन्हें एक साथ देखें, थोड़ा सा आपको अलग लगेगा, अजीब लगेगा, लेकिन वही रियलिटी है। लेकिन जब आप कैमरे के सामने उनको देखें तो क्या था, यही जीवन में हो रहा है, हम ये कैमरे के सामने हैं और इस तरीके से हम लोग पात्र अदा कर रहे हैं। कोई बुरा नहीं है यहाँ पे, कोई बेकार नहीं है, सब बहुत अच्छे हैं। वही उदाहरण याद रखें, जैसे राम और रावण की मित्रता है कैमरे के पीछे, वैसे ही हम सब भी बहुत अच्छे आपस में भाई भाई हैं, एक दूसरे से बहुत प्रेम है, एंड वी आर प्लेइंग जस्ट पार्ट हियर। चलो 1 मिनट मेडिटेशन करते हैं और आज, और होता क्या है कि जब हम दूसरों को अकोमोडेट करते हैं, उन्हें स्वीकार करते हैं, तो आत्मा होती है संतुष्ट, संतुष्ट रहती है। तो संतुष्ट रहने से क्या होता है, आत्मा बन जाती है संतोषी माँ। इसीलिए आप देखेंगे संतोषी माँ की मंदिर में पूजा होती है नवरात्रि के दौरान, जो संतोषी माँ की पूजा हो रही है उसके पीछे का आध्यात्मिक रहस्य यही है कि आत्मा पूर्णतः संतुष्ट है और सबको अनकंडीशनली स्वीकार करती है। तो बस हमने आज ये प्रण लेना है कि अगले 24 घंटे तक हमने प्रैक्टिस करनी है कि सभी आत्माएं हैं, कोई अमीर गरीब बड़ा छोटा नहीं है, सभी समान हैं और मैं संतोषी माँ हूँ, मैं सभी को अनकंडीशनली स्वीकार करती हूँ। तब देखेंगे कि बहुत अच्छे परिवर्तन आपको दिखाई देंगे और मन एकदम स्टेबल रहेगा। 1 मिनट मेडिटेशन करते हैं। स्वयं को देखें मस्तक के बीच, मैं देह रूपी मंदिर में बैठी संतोषी माँ हूँ, ये देह मेरा मंदिर है और मैं आत्मा देवी हूँ, मैं शिव की शक्ति हूँ, मेरे शिव का प्रकाश मेरे ऊपर पड़ रहा है, ये प्रकाश मुझ में समा रहा है, मैं देवी, मैं संतोषी हूं, मैं सभी को आत्मिक रूप में देख रही हूं, इस विश्व में प्रत्येक आत्मा सृष्टि रंगमंच पे प्रत्येक आत्मा अपना अपना पार्ट अदा कर रही है। मैं सभी को अनकंडीशनल एक्सेप्ट करती हूं, मैं शांत हूं, संतुष्ट हूं, मैं संतोषी माँ हूं। ओम शांति।